नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर सिंह। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला देश की सियासत को गरमा रहा है। निलंबन के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष आज फिर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद भवन में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों के साथ साथ सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर बैनर दिए गांधी मूर्ति पर इकट्ठा हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और पुराने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। उधर विपक्ष के रवैये को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष का आचरण अमर्यादित है, जिसकी वजह से सदन नहीं चल पा रहा। विपक्ष अपनी हार की खींच संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का भी सम्मान, दरअसल इस खींच के चलते विपक्ष नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आज चर्चा करेंगे जिन अहम सवालों के इर्द गिर्द। वो सवाल हम आपको बता दें, संसद सेंधमारी मामले में राजनीति कौन कर रहा है? ये आज का पहला अहम सवाल है। क्या पीएम और गृह मंत्री के बयान की मांग नाजायज है? क्या सत्ता पक्ष खुद सदन नहीं चलाना चाहता, जैसे आरोप विपक्ष के हैं? या विपक्ष का आचरण ही अमर्यादित है? अहम बिलों की चर्चा में विपक्ष क्यों नदारद है? पक्ष विपक्ष की लड़ाई में जनता के मुद्दे आखिरकार गुम क्यों हो गए? पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन में, सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में, और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में और रेडियो में, अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वी आर रिक्वेस्टिंग यू अलाउ अस टू स्पीक एंड वी विल गिव सम फैक्ट्स एंड यू शुड एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड, वन थिंग। सेकेंडली, पर्पजली द रूलिंग पार्टी पीपल आर डिस्टर्बिंग द प्रोसीडिंग्स। 125-30 people of Raj Sabha member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly yesterday we were hardly 10 people and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening they were shouting against us, and it is first time happened that a parliamentary affairs minister along with 125 people standing in Lok Sabha, Raj Sabha, standing in Raj Sabha, he is giving a speech and 125-30 people are watching it and they are shouting slogans. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live, but he should
behave democratically and constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. We are tomorrow, we are protesting in Jantar Mantar, and all party people will be there, our India party's leaders, those who are available here, they will participate here, and throughout country, in state headquarter, district headquarter, they will protest against this immoral, illegal behavior of this government. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे जो मंत्री ने सदन में आतंकवाद करने की आवश्यकता कहते थे इन सभी लोगों को निकाल दिया इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाए ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट सिग्नल दे दिया 56 साल हो गए लास्ट 56 ईयर आई एम अ मेंबर ऑफ दिस और दैट हाउस एंड आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ अपोजिशन इसकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है अब अपोजिशन को नज़रअंदाज करके दूर रखे सदन का कारोबार करना चाहते हैं आपको जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि देश की जनता ये सब देखती है और इसकी ज़बरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी इसका मुझे पूरा विश्वास पवार साहब कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था राहुल गांधी का वीडियो बनाना सीधी बात है तो सदन में ठीक है सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो किसी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया इस पर वेस हो सकता है क्योंकि वो काम सदन का नहीं था सदन का बाहर था और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ मैं किसान हूँ मराठों का अफसान है किसानों का अफसान है मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के हमारे प्रोफेशन के इज्जत करते हैं हम कभी देखें चलिए तो आपने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से क्या कुछ इस वक्त हो रहा है इस पूरे विषय को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया भी जानी और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए हैं उनका स्वागत करते हुए आपसे उनका तारुफ करा दूं कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भदौरिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना खान नेता कांग्रेस के मुन्ना खान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं अमिताभ कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब शीतकालीन सत्र चल रहा है सांसदों को सदन में होना चाहिए जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा में शामिल होना चाहिए लेकिन विपक्ष के जो सदस्य हैं जो सांसद हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं उन्हें इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से भारत देश आजाद हुआ है विपक्ष की भूमिका ऐसी पहले कभी नहीं रही जो आज विपक्ष की भूमिका है आज विपक्ष ये बोल चुका है कि हम विपक्ष में हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं खाली अकेले शोर शराबा और विरोध करना ही नहीं होता आप सदस्य हैं आप चुने हुए सांसद हैं जनता ने आपको चुन के भेजा है जनता की बड़ी उम्मीदें हैं आपके ऊपर
आप जनता के सवाल पूछिए, जनता के विषय की चर्चा करिए, जनता के हितों की बात करिए, ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ हर दम एक नहीं, पहला सदन नहीं है, आप कोई भी सदन देखें, हर सदन में इन्होंने कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के लाते हैं और उसको लेके सदन को चलने नहीं देते, उसमें अवरुद्ध पहुंचाते हैं। ये भदौरिया साहब चर्चा नहीं है, भदौरिया साहब संसद में संसद की सुरक्षा का जो विषय है, जहां पर जनप्रतिनिधि जाकर के बैठते हैं जनता के चुने हुए, क्या ये विषय जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? और क्या सुरक्षा में सेंधमारी हुई तो इस विषय को विपक्ष का अधिकार नहीं है सदन के भीतर उठाने का? निश्चित तौर पे देवबंत ही आपने देखा होगा, हमारे गृह मंत्री ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है, और सबसे बड़ी बात सदन के जो मुखिया है उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है, इसकी हम गहन जांच करवाएंगे, और उन्होंने बेवक से ही जांच एजेंसियों को आदेश दिया और वो जांच में लग गई, और 24 आवर्स में एक एक अपराधी जो थे इसमें संलिप्त थे उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया है। अब जिन जांच एजेंसियों ने उनको अरेस्ट कर लिया है उनसे पूछा जा रहा है कि आपका मकसद क्या था, आप किस लिए इसमें आए, इस तरह का शोर शराबा क्यों किया आपने और किसके कहने से आए? तो जब पूरा सामने है उसके बाद आप संसद में आगे शक्तियां लेके आ रहे हो, तो शराबा कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के उपराष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा सम्मानी पद होता है, राष्ट्रपति कोई छोटा पूरा पद नहीं होता, सम्मानी देश का पद है, और उसकी जो है ना नकल उड़ाई जा रही है, उसको आप बुरा भला कह रहे हैं, उनकी आप मिक्री कर रहे हैं, और जो कांग्रेस कहती है कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, और उनके नेता है राहुल गांधी जिनको वो पीएम प्रोजेक्ट करने के लिए घूम रहे काफी समय से, तो आप सोचिए कि उन्होंने किस तरह से जो है ना भदौरिया साहब मिमिक्री वाला जो विवाद है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष से राहुल गांधी से सबसे सवाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो सिर्फ विपक्ष के साथ नहीं है, सत्ता पक्ष से भी है, क्योंकि सदन चलाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। मुन्ना खान साहब, आप पर आरोप ये है कि विपक्ष का आचरण ही दरअसल अमर्यादित है जिसकी वजह से सदन नहीं चल पा रहा। चलिए तो मुन्ना खान साहब से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। तब तक अमिताभ कुमार जी, आप सुन रहे हैं क्या कुछ कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, भाई हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो मुद्दे हम उठाना चाह रहे हैं हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष का बर्ताव है क्या वो गैर जिम्मेदाराना है? अगर आप प्रश्न उठाते, चर्चा करते, विचार विमर्श करते, चिंतन करते, कर रहे हैं, आपको इसलिए थोड़े बाहर किया गया कि आपने प्रश्न पूछा है, आपको बाहर इसलिए किया गया कि आप जो असंसदीय हरकतें कर रहे थे कुछ ऐसे मसलों पे जो आपकी राय बनी थी, जो नियम के खिलाफ आप जो है संसद को बिल्कुल गतिरोध उत्पन्न करके कोई काम होने नहीं देना चाह रहे थे, तो संसद के अंदर आप फुटपाथ पर नहीं है ना जी, चीखेंगे चिल्लाएंगे हंगामा करेंगे कूदेंगे अध्यक्ष सभापति की बातें नहीं सुनेंगे, तब आपको बाहर किया गया है। आप जिस जगह पे गए हैं, आप परीक्षा केंद्र में गए हैं, वहां परीक्षा देना है तो वहां नारेबाजी और कागज फेंकना उछल कूद मचाएंगे तो कैसे चलेगा? अभी हम लोग जिस चर्चा में बैठे हुए हैं इसमें मान लीजिए कि कोई सदस्य जो है वो खाली हंगामा करना शुरू करे, जो एंकर है उनकी बात ही ना सुने, प्रश्न का जवाब किसी को ना देने दे, तो कैसे ये चर्चा होगी? तो हम कहेंगे क्या कि हम चर्चा में बैठे हैं? नहीं कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी। तो संसद के अंदर जो करना है, अभी बाहर जिस तरीके से वो बड़े सहनशील तरीके से बयान दे रहे हैं कि हम विनम्र तरीके से ये कर रहे हैं, हम तो ये कहना चाहते थे, इसी तरीके से कहते और उसके बाद बाहर कर देते तो सारी दुनिया कहती कि ये बिल्कुल गलत है सत्ता पक्ष का ये निर्णय, ये सत्ता पक्ष की हरकत। यहाँ तो हरकतें आपकी सामने आ रही हैं कि आप जिस जगह पे जिस ढंग से काम करना है वो नहीं करके कोई काम ना हो इस तरह के प्रयासों में लगे थे, इसलिए आप बाहर चाहते। अब आप फुटबॉल खेलने गए हैं, फुटबॉल खेलने के बजाय आप इधर उधर भाग दौड़ करना शुरू कर दे, बॉल लेकर कोई भाग जाए, कोई दूसरे को खेलने ना दे, तो उस
मैदान हर एक चर्चा, मैदान दरअसल का कहना आप ये अपना चाहते नियम हैं होता है, अमिताभ संसद के कुमार अपने जी, तौर कि तरीके जो चर्चा की आप प्रक्रिया उस होती संसदीय है, तौर जो तरीकों उसके से नियम आप हैं, सरकार को उन्हीं के अनुरूप और उन्हीं के अनुसार ही तो बात चर्चा बिल्कुल होगी। नहीं कर रहे, विपक्षी सांसदों को यह समझना होगा कि भाई आप मुद्दे उठा रहे हैं, वो उठाने का आपका अधिकार है, लेकिन चर्चा किस तरीके से होगी वो तो एक मर्यादा के तहत ही होगी ना मुन्ना खान साहब। ये थोड़ी नहीं है कि आप सिर्फ हंगामा करते रहेंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको सुनेंगे ही नहीं, लोकसभा स्पीकर कुछ कह रहे हैं वो सुनेंगे नहीं, चेयरमैन जो कह रहे हैं वो आपको सुनना नहीं है, सिर्फ हंगामा करना है, इस तरीके से तो चर्चा होती नहीं है। मुन्ना खान जी, सर भाई चर्चा की भी एक प्रक्रिया होती है सदन के भीतर, जैसे हम लोग यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, सबकी अपनी बारी आ रही है, हर अपनी बारी में व्यक्ति बोल रहा है, हंगामा अगर यहां करने लगेंगे हम तो हम किसी की बात ही नहीं सुन पाएंगे। तो चर्चा की जो प्रक्रिया होती है, जो स्तर होता है, उसको तो बना करके रखना होगा ना, अगर आप चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। सबसे बड़ी बात है, संसद में हंगामा करने का स्टार्ट किसने करवाया, ये आप देखिए किस तरीके से संसद जिसे आप लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, पवित्र जगह को बदनाम करने की कोशिश किसने की? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया? क्या ये जब पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और जो संसद भवन की शुरुआत होती थी वो आरती से और पूजा से शुरुआत होती है, आज उसी संसद भवन में गालियों से शुरुआत होती है, तो गरिमा गिराने का काम किसने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नहीं किया? आज आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, माइक उसका बंद कर देते हैं, तो ये अपमान क्या उन सांसदों का नहीं है? आज जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि जाट समुदाय की बदनामी हुई, जाट समुदाय की अनदेखी हुई और जाट समुदाय बदनाम हुआ, अगर 143 सांसद ये कहने लगे कि मेरे जाति का अपमान हुआ, फिर ये देश कहाँ जाएगा? तो क्या आज उपराष्ट्रपति को आज जाति दिख रही है, जबकि वो उपराष्ट्रपति सभी के हैं, और किस तरीके से वो तानाशाह की तरह आज लोगों का माइक बंद करवाते, लोगों को प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके का भाषा विपक्ष के साथ किया जा रहा है बार बार, तो ये अत्याचार सहते सहते विपक्ष अब उग चुका है। इसलिए कल जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन है, जो सारे जितने इंडिया के गठबंधन है सभी नेता एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के ये मुन्ना खान साहब देखिए, सरकार पर आप तानाशाह होने के आरोप लगाइए, वो विपक्ष का काम भी होता है, विपक्ष को अधिकार भी होता है, लेकिन संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे जो पद हैं, उनके लिए इस तरीके की शब्दावली प्रयोग करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। देखिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि पीएम और गृह मंत्री बाहर बोल सकते हैं इस पूरे मामले में, लेकिन सदन के भीतर अगर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बीजेपी से यही सवाल करेंगे। अरे काका, 1 किलो चीनी और 1 लीटर सरसों का तेल दे दीजिए। अरे हरिया, तू शहर से काम छोड़कर गांव में ही बस गया? हाँ काका, अब गांव में ही बस गया हूँ। लोग कमाने धमाने के लिए शहर भाग रहे हैं और तू है कि गांव वापस आ गया। अरे जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? अरे काका, जहाँ है शुद्ध जल वही है सुनहरा कल। शुद्ध जल का मतलब? मतलब ये काका कि जल जीवन मिशन योजना ने हर घर में शुद्ध पेयजल तो दिया ही दिया और हमारे जैसे कितने लोगों को रोजगार भी दिया है। रोजगार? कैसा रोजगार? अरे काका, सरकार की तरफ से प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग करके आए और नल और पाइप फिट करने की किट भी मिली है। गांव में हर घर में नल सच में सपने जैसा था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का संकल्प था हर गांव के हर घर में शुद्ध पेयजल सबको मिले, सो हमारी सरकार ने संकल्प पूरा करके दिखा दिया। कम ब्रेक और ज्यादा ब्रेक बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भदौरिया साहब, आरोप दरअसल हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, चर्चा एक बार फिर से शुरू करेंगे। भदौरिया साहब, आरोप ये लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में जो सेंधमारी हुई इस विषय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बोल रहे हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री, वहां पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया। अगर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सदन के भीतर इस मुद्दे पर वो स्पष्टीकरण दें, तो फिर क्यों नहीं माना जा रहा है?
देखिए वाजपेयी साहब, आपने देखा होगा कि ये बस से ही ऐसा हुआ है, उस पर पूर्ण रूप से जो है ना कार्रवाई होना चाहिए। बीच में आवाज आ रही है। जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए भदौरिया जी। ये बीच में कोई आवाज आ रही तो डिस्टर्ब होता है जी, वो व्यवधान दूर हो गया है। भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, जिस दिन से ये घटना घटी है सदन के अंदर, उसी दिन से जो है ना बिल्कुल इसमें जो दोषी सिक्योरिटी गार्ड थे, जो भी सिक्योरिटी की वहां चूक हुई, उनको तुरंत सस्पेंड किया गया और इसके ऊपर एक्शन में कहीं कमी छोड़ी नहीं गई है। ये पूरा गृह मंत्री ही तो कर रहे थे, और कौन कर रहा था कि उनके अंडर आता है, और वो जो है ना जाके एजेंसियों को उठाने लगा। भदौरिया जी, मेरा सीधा सा सवाल है, यही बात गृह मंत्री खुद भी तो सदन में आके बता सकते हैं ना, विवाद ही ना रह जाए। जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है आपके। जी भदौरिया जी, भदौरिया जी, अगर मान लीजिए विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है और सरकार को लग रहा है कि भाई गतिरोध विपक्ष जो है वो जरूरत से ज्यादा कर रहा है इस मामले को लेकर के, तो आप वो नौबत ही ना पैदा होने दीजिए कि गतिरोध हो। जी, आप तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है भदौरिया जी? आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बीच में जो अलग अलग आवाजें आती, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं भदौरिया जी, वो तकनीकी खामी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप बोले, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं वाजपेयी साहब यही कहना चाहूंगा कि जांच एजेंसियां, गृह मंत्रालय पूर्ण रूप से टेबल से इसमें लगा हुआ है, तो कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा जो भी जांच एजेंसियों में जहां से चूक हुई उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, और जो विशेष जांच एजेंसियां उनको इसमें लगाया गया है जांच करने के लिए, और जो जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको सबको तुरंत 24 आवर्स के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। तो गृह मंत्रालय अपना काम कर रहा है। आप क्या गृह मंत्रालय तो हम कि बोले गृह मंत्री स्टेटमेंट नहीं, तो भैया क्या जरूरी गृह मंत्री का, जब राहुल गांधी के पार्टी के कहते हैं कि हिंदुत्व तो गंदा है, हिंदुत्व तो काकुच है, उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कभी स्टेटमेंट दिया? आपके पार्टी के कह रहे हैं, आपके पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लड़के ने कहा हिंदुत्व तो काकुच है, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया? राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने एक बार भी कहा कि ये गलत है? देना चाहिए था भदौरिया साहब, देना चाहिए था उनको स्टेटमेंट। अगर जब आप नहीं दे सकते तो आप दूसरे से उपेक्षा कैसे रखते हो? तो बात तो वही है ना, अगर आपका आचरण, ये चीज तो आप पर भी लागू होती है ना भदौरिया साहब, अगर आपका आचरण भी ऐसा होगा तो फिर आप कैसे सवाल करेंगे? अमिताभ कुमार जी, ये जो मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि भाई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मंत्रालय से तो जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, अगर वो आकर के सदन में बोल देंगे तो विपक्ष इस बात को लेकर के जो मुद्दा बना रहा है कि भाई हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, गृह मंत्री आकर के स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, ये बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, यहाँ उद्देश्य जवाब मांगना है ही नहीं, केवल शोर मचाने वाली बात है। आप सारी प्रक्रियाओं को बाधित कर देना चाहते हैं सारी प्रक्रियाओं को आप बाधित कर देना चाहते हैं। अगर आपको जो जवाब चाहिए तो उसके लिए जब जांच हो रही है, क्योंकि जवाब तो आपको पूरा चाहिए होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कहाँ कहाँ गलतियां थी, तो बगैर जांच पड़ताल के कोई भी कैसे बयान दे देगा? दूसरी बात, जो मालिक है संसद भवन का, जिसके जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ में है, उन्होंने बाकायदा इस पे बातचीत भी की है और कमेटी भी बना दी है, तो उसकी रिपोर्ट आएगी तभी तो जवाब देंगे। नहीं तो अमिताभ जी, फिलहाल की क्या स्थिति है? फिलहाल की जो स्थिति है कि भाई इस पूरी घटना है, नहीं जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जो घटना घटी वो क्यों घटी, और अगर गृह मंत्री बाहर बोल सकते हैं, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बोल सकते हैं, तो सदन के भीतर क्यों नहीं बोल सकते हैं? अभी कम से कम स्थिति से जो भी अपडेट है इस पूरे मामले में वो तो आकर के वो सदन में दे सकते हैं ना, प्रक्रिया भी यही कहती है। सदन में आप जो कुछ भी बोलते हैं उसमें तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल करके, क्योंकि वहां पे जो भी होता है वो दर्ज होता है। आप बाहर सभा में बोल रहे हैं उसमें तथ्यों में कुछ हेरफेर हो जाए, अभी उसमें भी कोई ऐसा कंक्लूजन निकल के नहीं आया है कि ये कौन लोग थे और किनके
उद्देश्य किसके कहने पर ये लोग आए हैं, अभी वो सब बातें बाहर नहीं आई हैं, केवल चर्चा हुई है। सदन में जो भी बातें कही जाती हैं उसमें ठोस तथ्यों के साथ अपनी बातें रखनी पड़ती है जो कि वहां पर नहीं हो रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। और ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं भाई? आपने रखा प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ने दे दिया और जैसे रिपोर्ट आएगी फिर चले मुन्ना खान जी से जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, आपने एक प्रश्न रखा, आपने एक मांग रखी और स्पीकर ने या चेयरमैन ने अपनी रूलिंग दे दी, अब आपको वो रूलिंग माननी होगी। भाई उस रूलिंग को मानिए और जो भी आप जनता से जुड़े हुए जो अन्य विषय हैं जिनको लेकर के आप सरकार पर रोज आरोप लगाते हैं उन विषयों को सदन के अंदर उठाइए जब भी मौका मिला है, जब सत्र चल रहा है। कल देखिए इतना अहम आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ जो कानून है वो लोकसभा से पारित हुआ, आप लोगों को उस चर्चा में शामिल होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप बाहर हैं। मुन्ना खान जी, आपको नहीं लगता जिन अहम बिलों पर चर्चा हो रही है सदन के अंदर उन बिलों पर विपक्ष को भी अपनी जो भी चर्चा में सहभागिता है वो सुनिश्चित करानी चाहिए थी? बिल्कुल, सवाल है कि चर्चा करने के अगर विपक्ष की बातों को सुना जाए तो विपक्ष चर्चा करने देखिए भाजपा की रणनीति क्या है, 145 सांसद को सस्पेंड करके भाजपा ये चाहती है कि बगैर चर्चे के बिल पास किया जाए, जैसे पहले भी वो कराती आई है। तो इसको हम एक सीधे साधारण से लफ्ज में तानाशाह कह सकते हैं, पर तानाशाही के तहत ये सारे बिल पास कर। मुन्ना खान जी, मेरा एक स्पष्ट सवाल है, मुन्ना खान जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। जब आपको उनकी रणनीति समझ में आ गई है कि वो विपक्ष मुक्त एक तरीके से सदन चलाना चाहते हैं तो फिर उनके ट्रैप में आप फंस क्यों रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि भाई आप हंगामा कर रहे हैं तो मैं बाहर कर रहा हूँ। नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर वहाँ किसी भी बात से अगर विपक्ष की बात को नहीं सुना जाएगा तो हंगामा होगा ही। तो संसद में चुने गए सभी सदस्य हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो कांग्रेस से भी है, वो चुन करके आए तो मोदी जी के मेहरबानी पे, अमित शाह के मेहरबानी पे नहीं बैठे वहाँ पे, तो जनता के द्वारा वो चुने गए हैं तो जनता की आवाज उठाएंगे। और जनता की आवाज उठाते ही शाह और शहनशाह को बातें बुरी लगती है फिर उसे सस्पेंड किया जाता है। अब महंगाई की बात कर लो तो बुरी लगती है, सस्पेंड किया जाता है। अत्याचार की बात करो तो बुरी लगती है, सस्पेंड किया जाता है। तो आप कब तक कितने सस्पेंड करोगे? बस समय की कमी, अमिताभ कुमार जी 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। अमिताभ कुमार जी 10 सेकंड में बात पूरी करिएगा, समय की बहुत कमी। इनसे कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही हो ना इसी तरह का व्यवहार करें और देख लें क्या होता है। संसद में बात करना है आपको कि हंगामा करना है, इस तरह की दलीलें, बेकार की दलीलें ना दें। आप संसद का काम ठप करना चाहते हैं, हर सत्र में आप यही कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सारी प्रक्रियाओं को, नियमों को खत्म करके अपने आदेश पे सरकार को चलाना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया है सरकार चलाने का, तो सरकार को चाह रहे हैं कि हमारे आदेश पे चले। चलिए, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। देखिए, पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसको लेकर के डिबेट हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जिस तरह से सदन में उठाना चाहिए था उस तरीके से वो मुद्दे उठ नहीं रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।